हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रही हो द अल्टीमेटम। आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जनवरी का करंट अफेयर्स लेके आ गया हूँ। यह है पार्ट 4। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हिच कंट्री हैज़ बीन टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ 2020 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। 2020 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आपका ऑप्शन है ए यूके, बी साउथ अफ्रीका, सी जापान, डी इंडिया। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में टॉप पर रहा है जापान। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी जापान। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ 29th सरस्वती सम्मान। 29th सरस्वती सम्मान के साथ किसे सम्मानित किया गया है? योर ऑप्शन सर भसदेव मोही, बी अनंत कुमार, सी रत्ना गोयल एंड डी के शिवा रेड्डी। 29th सरस्वती सम्मान मिला है बसदेव मोही को। इसका सही आंसर है बसदेव मोही, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए गोविंद शर्मा, डी दिलीप त्रिवेदी, सी मनोज शर्मा एंड डी युवराज मलिक। नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर के रूप में चुना गया है युवराज मलिक को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी युवराज मलिक। नेक्स्ट, Who has become the fastest Indian spinner to take 100 wickets in ODI? कौन ODI में 100 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय स्पिनर बना है? आपका ऑप्शन है ए रविचंद्रन अश्विन, बी कुलदीप यादव, सी रविंद्र जडेजा, डी युजवेंद्र चहल। फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू टेक 100 विकेट इन ODI, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुलदीप यादव। कुलदीप यादव सबसे पहला भारतीय बना भारतीय स्पिनर है जो सबसे तेज 100 विकेट ले चुके हैं। अगला क्वेश्चन, द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट हैज़ रिलीज्ड ए कमेमोरेटिव स्टैम्प ऑफ व्हिच इंडियन फुटबॉलर। डाक विभाग ने भारतीय डाक विभाग ने किस भारतीय फुटबॉलर का सड़क डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन ए चुनी गोस्वामी, बी आई एम विजयन, सी पी के बैनर्जी, डी सोइलेन मन्ना। डाक विभाग ने जिस भारतीय फुटबॉलर के सड़क डाक टिकट जारी किया है वो है चुनी गोस्वामी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए चुनी गोस्वामी, जिसके नाम पे इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट डाक टिकट जारी किया है। व्हेयर हैज 5th एडिशन ऑफ साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020 बीन हेल्ड इन। विज्ञान फिल्म फेस्टिवल 2020 के
पांचवी संस्करण का आयोजित कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोचिन, सी पनाजी एंड डी चेन्नई। साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020 के पांचवी संस्करण आयोजन किया गया है पनाजी में, जो कि गोवा का कैपिटल है पनाजी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पनाजी। 2020 साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020 पनाजी। नेक्स्ट, माघ बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? माघ बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी असम। माघ बिहू त्यौहार मनाया जाता है असम में। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी असम। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया? भारत के तीरंदाजी संघ के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? योर ऑप्शन आर ऑप्शन ए अरविंद सिंह, बी गुरुप्रसाद महापात्रा, सी अर्जुन मुंडा, डी अनिल कुमार पाठक। द प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो हाल ही में बना है वो है अर्जुन मुंडा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा, भारत के नए तीरंदाजी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज बिकम द फर्स्ट वोमेन थर्ड एम्पायर इन मेन्स T20? पुरुषों की T20 में पहली महिला थर्ड एम्पायर कौन बनी है? योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए क्लेयर प्लोजग, बी लॉरेन एगनबर्ग, सी जैकलिन विलियम्स, डी जी एस लक्ष्मी। पहली महिला थर्ड एम्पायर पुरुषों की T20 में बन चुके हैं जैकलिन विलियम्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी जैकलिन विलियम्स, फर्स्ट वोमेन थर्ड एम्पायर इन मेन्स T20। नेक्स्ट, 21 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज स्टेटहुड डे ऑफ व्हिच स्टेट? 21 जनवरी को किस राज्य के राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, डी ऑल ऑफ दिस। 21 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज स्टेट डे ऑफ ऑल ऑफ दिस स्टेट्स, यानी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इस सभी राज्यों को स्टेट डे है 21 जनवरी। अगला क्वेश्चन, व्हिच स्टेट सेलिब्रेट्स चापचरकुट फेस्टिवल? कौन सा राज्य चापचरकुट त्यौहार मनाता है? आपका ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी असम। चापचरकुट फेस्टिवल मनाता है मिजोरम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बी मिजोरम जो चापचरकुट फेस्टिवल मनाता है। नेक्स्ट, वेयर हैज 50th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बीन हेल्ड? विश्व इकोनॉमिक फोरम की 50वीं वार्षिक सभा कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए दावोस, बी जेनेवा, सी लियों, डी ब्रसेल्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 50वीं एनुअल मीटिंग आयोजित किया गया है दावोस में। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दावोस। क्वेश्चन नंबर 13, इन व्हिच स्टेट मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हैज बीन इनिशिएटेड? किस राज्य ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑन इंडियाज 71 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। भारतीय 71 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जे एम बोल्सोनाडो, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी सिंजो एबे, डी मार्सेलो डिसूज़ा। 71 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है ऑप्शन ए जे एम बोल्सोनारो को, जो कि ब्राजील का प्रेसिडेंट है जे एम बोल्सोनारो। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच स्टेट हैज मेड इट मैंडेटोरी टू रीड प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस इन स्कूल। किस राज्य ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? योर ऑप्शन आर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। जिस राज्य ने स्कूलों में संविधान का प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है वो है महाराष्ट्र। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, ये था करंट अफेयर्स जनवरी का पार्ट 4। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।